ये हमारा नाप है 36 इंची का कमर का पैंट। हम फिटिंग में कटिंग करेंगे, फिटिंग पैंट किस टाइप का कटिंग होगा इसके बारे में बताएंगे आपको। देखो सबसे पहले पता है क्या करेंगे, इसको हम इस टाइप से मार्क मारेंगे। सबसे पहले ऊपर का मार्क लेंगे, इस टाइप से नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे थोड़ा सा तिरछा, इस साइड में तिरछा, ठीक है, हल्का सा तिरछा लेंगे। कोई भी पैंट कटिंग करेंगे तो इस टाइप से हम तिरछा में पहले मार्क मारेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये मार्का लग गया है, इसका कमर है 36 इंची, ठीक है। सबसे पहले 36 इंची हम लिख लेंगे, उसके बाद में यहाँ से 1 इंची हम बढ़ा करके, नज़दीक से दिखा, 1 इंची हम बढ़ा करके यहाँ से और लंबाई लेंगे, कितना इंची लंबाई है उस लंबाई को लेंगे। इसका 38 इंची लंबाई है तो 38 पे हम मार्क मार लेंगे। ये हमारा 38 पे मार्कर लग गया, ठीक है। यहाँ से हम 2.5 इंची मोड़ने के लिए दे देंगे, 2.5 इंची नहीं बल्कि इसका सिलाई मारना है मोहरी में, इसलिए हम 1.5 इंची बढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक है। 1.5 इंची हम बढ़ा लेंगे यहाँ से, ठीक है, सिलाई मारेंगे मोहरी में। उसके बाद में यहाँ पे आ जाइए, हाई जो है ना, हाई तिहाई भाग पे कभी भी कटिंग कीजिएगा, ठीक है। इसका हाई है जिसको लटकन बोलते हैं 27 इंची है, तो 9 तीर के 27 होता है, ठीक है, 9 तीर के 27 होता है, तो ये हो जाएगा 9। और यहाँ से हम 0.25 इंची बढ़ाएंगे, ठीक है, इसका 0.25 इंची मात्र बढ़ाएंगे, ठीक है। सबका हम 1.25 इंची बढ़ाते हैं, इसका 0.25 इंची बढ़ाएंगे, क्योंकि 27 इंची से जो नीचे आ जाएगा, 28 इंची से भी जो नीचे आएगा उसका 1 इंची के करीब में बढ़ेगा, और हाई जैसे 28 इंची से ऊपर जा रहा है, 28, 29, 30, 31 ऐसे आ रहा है, तो 1.25 इंची मार्का मारेंगे, ठीक है। तो इसका हम 0.25 इंची पे मार्का मारेंगे इस तरह, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में इस मार्का पे नहीं, इस मार्का पे हम मार्का मारेंगे। अब इस मार्का को आप छोड़ दीजिए टेंशन, यहाँ से सीधा मार्का मार लेंगे एक, ये सीधा मार्का लग गया। उसके बाद में हम मोहरी का मार्का मारेंगे, मोहरी का सीधा मार्का मारेंगे इस टाइप से, ये सीधा हम मार्का मार लेते हैं, ये हमने मार लिया। आपने बीच में भी मार्का मारते हुए देखा होगा कई लोगों के, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उस मार्का का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मारा जाता है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे शेप दीजिएगा, इस टाइप से रख लीजिएगा, इस टाइप से हल्का हम शेप देंगे, इस टाइप से मार्का नहीं मारेंगे, इस टाइप से मार्का मारेंगे, ऐसे हम मार्का मार लेंगे एक, ठीक है, ये मार्का लग गया हमारा। उसके बाद में इस जगह पे यहाँ से 1.5 इंची इस टाइप से हम मार्का मार लेंगे, 1.5 इंची के करीब छोड़ करके, ठीक है। ये तो सब में मार्का मराएगा, ठीक है, कटिंग करने लगेगा जब सारे चीज़ समझ में आ जाएगा आपको, डरिएगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और इस टाइप से रख लीजिएगा इस स्केल को, इस टाइप से रख करके ये देखना है यहाँ से और यहाँ सीधाई आपका मिल रहा है कि नहीं, जो स्केल रख रहे हैं उसका सीधाई मिल रहा है कि नहीं। अब इस टाइप से हम मार्का मारेंगे इसको, ये मार्का हमारा लग चुका है साइड का, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे, इधर आओ, यहाँ से हम 0.5 इंची छोड़ करके, 0.5 इंची करीब छोड़ करके यहाँ से इस टाइप से नाप लेंगे। इसका 36 इंची कमर है तो यहाँ से 9 इंची मार्का मारेंगे, ठीक है, 9 इंची। ये किस लिए इतना छोड़े हैं, सिलाई में चला जाएगा, ठीक है, और इधर भी 0.5 इंची करीब छोड़ देंगे, ठीक है, ये भी सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। और हीप का मार्का देंगे, इसका 40 इंची हीप है तो 13 या 39 इंची होता है, ठीक है, फिटिंग पॉइंट है इसलिए हम 13 पे ही मार्का मारेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमने 13 पे मार्का मार लिया। और इसी जगह से हम 1.5 इंची कम करके मार्का मारेंगे। देखिए इस टाइप का आपने कटिंग करना शुरू किया तो बिल्कुल कम टाइम में कटिंग कर लोगे और सही से कटिंग होगा, बेवकूफ बनने वाला काम नहीं होगा। इस टाइप से आप मार्का मारेंगे इस वाले को, फिटिंग पॉइंट को कभी भी इस टाइप से मार्का मारेंगे, ना कि ऐसे, ठीक है, ये शेप वाले के साइड से, ठीक है, इस टाइप से हम मार्का मार लेंगे इसको, ये मार्का लग गया। उसके बाद में हम मोहरी का, जितना मोहरी है हमारा उसका मोहरी, इसका मोहरी है 14 इंची तो 7 पे मार्का मारेंगे, ठीक है, 7 इंची हो गया, आधा पे मार्का लग गया। और ये बेवकूफ़ बनाना हो तो 3.5 पे मार्का मार दिया जाएगा,
लेकिन हमें बेवकूफ नहीं बनाना है, आपको काम सिखाना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये हमने मरकम मार लिया, उसके बाद में इधर आ जी, उसके बाद में इस टाइप से हम स्केल ऐसे रखेंगे, ठीक है, शेप वाले साइड से ऐसे रखेंगे मरकम, ऐसे रखेंगे स्केल और इस टाइप से मरकम मार लेंगे, ठीक है। और जान के लिए भी बताएंगे आपको, घबराइए मत, इस टाइप से हम मरकम मार लिए, ठीक है। जांघ का जांघ कितना बनेगा उसको हम बताएंगे, 27 इंची इस जांघ, इसका जांघ हमको 25 इंची बनाना है, ठीक है। जांघ के लिए बैक से दिया जाएगा कपड़ा, ठीक है। इस टाइप से हम मरकम मार लिए और इसको गुलाई दे देंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद, बनाने के बाद में आपको एक बार जरूर नाप करके चेक करना चाहिए हमारा पैंट कितना इंची तैयार हो रहा है, ठीक है। उससे क्या आपको पता लगेगा। फिर अब आपको बता देते हैं जेब का, यहाँ से इस जगह से जेब के लिए हम मार्क मारेंगे 2.5 इंची का, ठीक है, ऊपर के साइड में। और इसको इधर से हम मार्क मारेंगे 8 इंची का, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया। अब इसको चाहे तो इस शेप वाले की तरफ से आप मार्क मार सकते हैं इस टाइप से जेब बनाने के लिए। ये हमारा मार्कर लग गया है। उसके बाद में अब हम कटिंग कर लेते हैं इसको, यहां से हम कटिंग कर लेते हैं। यह हमारा कटिंग हो गया है सामना पल्ला, इसको करते हैं फोल्ड। अब इस वाले को आप ऐसे भी रख करके कटिंग कर सकते हैं, ऐसे रख करके, ठीक है, इसी हिसाब से, ठीक है। और या तो आप ऐसे भी पलट करके रख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो हम इसी टाइप से रख करके आपको बता देते हैं, हम वैसे भी कटिंग कर लेते हैं और ऐसे भी इस टाइप से हम रख लेते हैं इस कपड़े को। ये थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं इससे। अब देख लीजिए, इस जगह से हम एक यहां से फ्लाई लगाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे एक कट लगा लेते हैं फ्लाई लगाने के लिए, ठीक है। अब बैक कटिंग करने के लिए यहाँ से 1.25 इंची एक मरकम मार लेंगे, ठीक है, और इस जगह से हम बराबर लेंगे ऐसे शेप वाले तरफ से ऐसे रखेंगे, इधर में है बराबर, और यहाँ पे इस टाइप से हम मरकम मार लेते हैं। ये हमारा मरकम लग चुका है, ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है, इधर दिखाओ नज़दीक, इस जगह से बिल्कुल सीधा में आप एक मरकम मार लीजिए, ठीक है, ये नाप है आपका कंप्लीट, ठीक है। इस जगह से हम मरकम मार लेंगे, उसके बाद में 1 इंची हम यहाँ से मरकम मार लेंगे बैक में टेकिंग देने के लिए, उसके बाद में यहाँ से 2 इंची 2.5 इंची करीब में एक मरकम मार लेंगे ये मोड़ने के लिए पीछे बैक में, ठीक है। इस जगह को हम इस हिसाब से शेप दे देंगे, शेप वाला मरकम मारेंगे, ठीक है। और इसी स्केल मतलब सेम ऐसे ही आएगा स्केल, और यहाँ पे इसी हिसाब से मरकम मार लेंगे, ठीक है। ये मार्का हमने मार लिया, यहाँ पे 1.25 इंची का मार्का मारेंगे। ये 1.25 इंची तो हमें मारना ही मारना है सब पैंट का, क्योंकि ये दबाव के लिए इतना दब जाता है दबाव में 1.25 इंची, ठीक है, इसके वजह से 1.25 इंची यहाँ पे मारेंगे ही मारेंगे। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे यहाँ से 0.5 इंची छोड़ करके और इधर भी 0.5 इंची छोड़ करके, नज़दीक से देखा, यहाँ से 0.5 इंची छोड़ करके ये हो गया 11.5, ठीक है। अब 11.5 हो गया, हमें बनाना है 25 इंची जांघ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा आ रहा है 25 इंची, यहाँ पे आ रहा है हमें
यहाँ पे आ रहा है हमारा 25 इंची। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ से हम कटिंग करेंगे क्योंकि दबाव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस जगह से हम मार्का मारेंगे। ठीक है, सेप सेप वाला साइड से मारेंगे मार्का। ये हमारा मार्का हो गया, और इस वाले के साइड से ये ज़्यादातर यहाँ से मार्का मारा जाता है। ठीक है, लेकिन ये फिटिंग पॉइंट है, इसकी वजह से हम यहाँ से मार्का मारेंगे थोड़ा सा आगे से, इस जगह से। ठीक है, इस हिसाब से हम मार्का मार लेंगे। ये हमारा मार्का हो गया, अब ये हम गोलाई दे देंगे। ये हमारा हो गया, और हिप देख लीजिए, हिप कितना बना, 40 इंची नाप था तो 2 इंची एक्स्ट्रा बनना चाहिए। ये हो गया हमारा 10 इंची, 10, और ये हो गया हमारा 10 से रख लेंगे यहाँ। ये हो गया आपका कितना हो गया, 21.5, 21 × 42 43 इंची हिप बन जाएगा। 40 इंची नाप लिया था, 43 इंची हिप बन जाएगा। ठीक है, 3 इंची एक्स्ट्रा बनेगा। अब इस हिसाब से हम कटिंग कर लेते हैं।